मंगलवार की शाम को शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों के तबादला सूची जारी किया है, जिसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित 9 जिले के जिलाधिकारी बदले गए हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को गोरखपुर जिले की कमान दी गई है। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद को एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव एवं स्कूल शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक के साथ मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी रहते हुए अनेकों विकास के कार्य किए। इसके अलावा भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, जनता की समस्याओं का 100% निस्तारण करना ही जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का उद्देश्य था। हमेशा प्रयास रहता था कि शासन की योजनाओं का निचले पायदान तक के व्यक्ति को लाभ मिले। कुंभ मेला अधिकारी के रूप में पिछले कुंभ मेला का सफल आयोजन कर सरकार की वाहवाही बटोरी थी। आगामी कुंभ मेला जो पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में होने वाला है, कुंभ मेला को एक बार फिर इंटरनेशनल पहचान दिलाने की शासन की मंशा को पूर्ण करने में विजय किरण आनंद का अनुभव काम आएगा। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक के रूप में प्रेरणा ऐप को विजय किरण आनंद ने न केवल डेवलप कराया अपितु उसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी कराया। इसी कारण शासन ने तेज तर्रार IAS विजय किरण आनंद को एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सौंपा है।